कि भाई आप सब लोगों को पता ही होगा कि मेरी 10 साल की जर्नी रही है किसान, और मैंने पहला फोटोशूट तो मैं 14-15 साल पहले करवाया था, पर अब जो बॉम्बे की जो जर्नी है मेरी 10 साल लगे यहाँ पहुँचने में। और मैं धन्यवाद करना चाहूँगा एंड एमोल शाइन इंडिया का, ऑल्ट बालाजी का, एम एक्स प्लेयर का जी, और हमारी जो मेरी जो मतलब भगवान विष्णु के अवतार में कहता हूँ एकता कपूर जी, जिन्होंने मुझे मौका दिया अपने आप को प्रूव करने का। और पिछला भी रियलिटी शो किया था मैंने, बट ये जो मेरा दूसरा रियलिटी शो है ये कैप्टिव रियलिटी शो है, और कुछ नया सीखा है मैंने, और कुछ चीज़ें अच्छी भी सीखी हैं, कुछ चीज़ें बुरी भी सीखी हैं कि भाई इंसानों को यहाँ पे कैसे जो गेम खेलते हैं लोग वो आपस में भी कैसे दोस्ती के पीछे छुरा घोंपते हैं, पर उसको अपनी निजी ज़िंदगी में अमल नहीं करते हम लोग। तो और कुछ आप आपके सवाल जो भी आप पूछना चाहते हैं। किस तरह का एक्सपीरियंस रहा है, कितना मज़ा आया? ये कौन है मोबाइल? हाँ जी भाई, किस तरह से काफी कमाल की जर्नी रही आपकी, सेंटर लुक रहेगा, बहुत कुछ हुआ ये लॉकडाउन में, क्या कुछ कहना चाहोगे? सबसे बेस्ट मोमेंट कौन सा था आपका? सबसे बेस्ट मोमेंट है मेरा यहाँ पे जब मैं एंटर कर रहा था, जब भी चैलेंजेस जीतते थे, फर्स्ट डे ले लो और लास्ट डे भी ले लो, लास्ट डे तक हम लोग जीतते ही आए हैं, हारे भी हैं, बट वो इस लॉकअप का जो फॉर्मेट है वो फॉर्मेट ही ऐसा है कि आपको यहाँ पे जीतने के, अगर आपको यहाँ पे सुविधाएं चाहिए तो आपके आपको जीत के हासिल करनी पड़ेंगी। ये लॉकअप बाहर की दुनिया के जैसा ही है, जिंदगी में अगर आपको आगे बढ़ना है, जैसे लॉकअप में आपको ऊपर बढ़ना है, तो आपको जो आपकी कठिनाइयाँ आपकी ज़िंदगी में आएंगी, जो भी चुनौतियाँ आएंगी, उनको आपने जीतना है, तभी आप ज़िंदगी में ऊपर बढ़ते हैं। मेरा ये मानना है ये लॉकअप बाहरी दुनिया का ही एक एक रियलिटी एग्जाम्पल है। मैं आपसे जानना चाहूँगा, जब स्टार्टिंग में आपको कहा था कि कहाँ तक करना है आप लोगों को, मैं मतलब मैं बेसिकली मेरा जो मैं हूँ मैं एक एंटरटेनर, तो मुझे लगता है कि मैं यहाँ पे जो आया हूँ पब्लिक को एंटरटेन करने आया था। ट्रॉफी का सपना तो हर इंसान देखता है, पर वो जो जर्नी होती है ना, वो सफ़र का मज़ा होता है। तो वो कहते हैं ना, कोशिश करनी, मैंने कोशिशें करी हैं कि भाई ज़िंदगी में ये ट्रॉफी को लेके ही जाऊँ, पर वो अर्ज़ कुछ अर्ज़ करना चाहूँगा, कहते हैं ना कि ज़रूरी थोड़ी है, पत्थर फेंको तो आम टूटे ही टूटे, कुछ कोशिशें तैयारी के लिए भी होती हैं। जाकिर भाई की शायरी है ये, और आप कुछ पूछो। करण कुंद्रा को क्या कुछ सीखा? बहुत ही अच्छे इंसान है, मतलब मैं आपको सच बता रहा हूँ कि अगर जिस दिन जेल जब जेलर आते थे ना, तब हम लोग वेट करते थे कि यार ये अब आए हैं, ये कुछ ना कुछ गुरु मंत्र देकर जाएंगे, क्योंकि अब जो चीज़, क्योंकि पूरे हफ्ते में जो करते थे वो आके दंड से, को हम लोग अरीना में जाते थे तो हमें बताते थे कि भाई, मतलब वो बताते नहीं थे, वो हिंट्स देते थे कि भाई आपकी गेम में ये कमी है, आपकी गेम में वो कमी है, ये अच्छा कर रहे हो, वो बुरा कर रहे हो, तो सारी छोटी छोटी चीज़ें। और वो जब भी आते थे उनकी चीज़ें हमने बहुत बारीकी से सुनी है, बहुत ही अच्छे शख्स है यार। शिवम, शिवम सारा के साथ आपका बहुत ज्यादा प्यार होता है। शिवम, शिवम सारा के साथ आपका काफी अच्छा बॉन्डिंग था, तो आर यू प्लानिंग, इस फिल्म की फोटो खींचो, ये कौन है मुझे बाद में, आर यू गोइंग टू प्लानिंग टू डेट हर? नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरी बहुत अच्छी दोस्त है वो, लाइक जैसे कि कहते ना कि स्टार्टिंग में एक एंटरटेनर अगर आता है तो उसको एक वेरिएशन, जैसे मैं निजी जिंदगी में बाहर हूँ ना, आशिक है शायर आदमी कैसे, आपको पता ही होगा शायर कैसे होते हैं, तो वो मेरा एक एक्सप्रेशन, मैं बहुत एक्सप्रेसिव इंसान हूँ, और मैं अपने सारे एक्सप्रेशन, अपने जो भी मेरी भावना है, मैं लोगों के प्रति व्यक्त कर देता हूँ कि भाई मुझसे कुछ छूट ना जाए जो मैं आप तक पहुँचा ना सकूँ, तो मैं कहीं भी कसर नहीं छोड़ता, जो भी मेरे मन में होता है वो मैं कर देता हूँ, और कुछ बात नहीं। आपकी जो जज थी कंगना, हाउ कंगना, आपकी जज थी, हाउ वाज एक्सपीरियंस विद कंगना रनावत? कंगना के साथ आपका एक्सपीरियंस कैसा था? शी इज अ वेरी प्रोफेशनल हीरोइन, मतलब मेरी लाइफ की पहली हीरोइन है जिनके साथ मैंने इतने अच्छे लंबा समय से समय तक काम किया है, और वो बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल है, और मैं पूरे हफ्ते, सच्ची बताऊँ तो मैं पूरे हफ्ते कोई भी कलेश नहीं करता था, कोई भी लड़ाई नहीं करता था कि भाई मुझे कल सैटरडे को मैम आएंगी और मुझे कुछ सुनना पड़ जाए, मेरी वजह से मैं उनकी जो मुस्कुराहट है वो फीकी ना पड़ जाए, तो बस इस वजह से मैं पूरे हफ्ते मैं शांत रहता था। मैंने कहा यार अपने को सिर्फ कंटेंट देना है, एंटरटेन करना है लोगों को, उनके मनोरंजन के लिए मैं आया हूँ, और शायरियाँ वायरियाँ जो भी सारे एंगल्स होते हैं, लाइक मैं अपना इससे ज़्यादा बेस्ट नहीं दे सकता था, अगर मुझे दोबारा लॉकअप खेलने का मौका मिले तो भी मैं ऐसे ही खेलूंगा। थैंक यू सो मच गाइस।